वेलकम टू हंगर हिट्स होम। आज मैं आपके साथ पाइनएप्पल रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह रायता खाने में बहुत ही बढ़िया बनता है। मेरे पास कई दिनों से एक पाइनएप्पल पड़ा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इससे क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रायता बनाया जाए। हम सबसे पहले आधा पाइनएप्पल लेंगे, उसे हम बीच में से काट लेंगे, उसके बाद हम साइड से इसके छिलके उतार देंगे। इसी तरह आप सारे पाइनएप्पल के छिलके उतार दीजिए। अब हमारा सारा पाइनएप्पल छिल चुका है। आप देखेंगे कि अंदर की तरफ इसके सख्त हिस्सा है, आपको यह हिस्सा निकालना है। यह हिस्सा हमने खाने के उपयोग में नहीं लेना, इसे खाने से हमारे पेट में तकलीफ हो सकती है। आप इस हिस्से को जरूर निकालिएगा। अब हमने लगभग सारे सख्त हिस्सा निकाल दिया है। अब हम इन पाइनएप्पल के टुकड़ों को बारीक बारीक चॉप करेंगे। इन पाइनएप्पल्स का साइज आप अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं। हमारा सारा पाइनएप्पल अब चॉप हो गया है। इसे हम एक पैन में ट्रांसफर करेंगे। हम इन टुकड़ों को एक फ्राइंग पैन में डाल देंगे। गैस को ऑन करके हम इस फ्राइंग पैन को इसमें रख देंगे और अब हम इन पाइनएप्पल्स को थोड़ा पकाएंगे। सबसे पहले हम इसमें लगभग 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। इस चीनी में अब इन पाइनएप्पल्स को हम पकने देंगे। धीरे धीरे ये चीनी मेल्ट होने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें से चीनी में से पानी निकलने लग गया है। आप देख सकते हैं कि अब चीनी की चाशनी पकने लग गई है और उसमें से बबल्स आ रहे हैं। आप इस पाइनएप्पल को लगभग 5 मिनट इसमें पकने दीजिए। अब इन्हें पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। हम एक टुकड़ा काट के देख लेते हैं। ये पाइनएप्पल अब पक चुका है, पर अभी इसमें थोड़ा पानी है, तो अब हम इस चीनी का पानी सुखा लेंगे। अब सारा पानी सूख गया है, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे पाइनएप्पल भी पक गए हैं और इसमें थोड़ी मिठास भी आ गई है। अब हम कुछ पत्ते पुदीने के लेंगे, उन्हें हम अच्छी तरह साफ करके धो लेंगे और उसके बाद इन्हें हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। पुदीने के फ्लेवर से हमारे रायते में टेस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने लगभग आधा किलो दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डालूंगी। ध्यान रखिएगा कि हमारे पाइनएप्पल में भी मीठा है। चीनी को मैं अच्छी तरह दही में मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें लगभग 1 चम्मच काला नमक डालूंगी, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 चम्मच सादा नमक। इन सबको डाल के मैं इसे रायते में मिला दूंगी। अब हम इसमें पुदीने की कटी हुई पत्तियां डाल देंगे।
मैं काली मिर्ची डालना भूल गई थी, तो इस स्टेज पे मैं इसमें लगभग आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालूंगी। अब हम इसमें पका हुआ पाइनएप्पल डाल देंगे, वो अब तक ठंडा हो चुका है। इन सबको डाल के हम अच्छी तरह रायते को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पुदीने के पत्तों के साथ गार्निश करेंगे। अब हम इसे ठंडा होना रख देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। हमारा स्वादिष्ट पाइनएप्पल का रायता तैयार है। इसमें हल्की सी मिठास होती है, इसलिए बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल हंगर हिट्स होम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।